इजी कुकिंग में आप सभी का स्वागत है। आज की रेसिपी है बेक्ड चीज़ी वेजिटेबल्स, जो कि एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है उनके लिए जो इजीली वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए हैं कच्चे आलू जिसे मैंने कस लिया था, प्याज, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर, ग्रीन कैप्सिकम, पालक, कैबेज, कॉर्न्स और गाजर। साथ ही मैंने एक बड़ी हरी मिर्च ली है। पैन में मैंने वेजिटेबल ऑयल डाल दिया है, उसमें मैंने बारीक कटी प्याज डाल दी है। प्याज को हमने ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं भूनना है, बस हल्का सा उसे चलाना है। इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे कच्चा आलू जो हमने ग्रेट करके रखा था। कच्चे आलू को जब आप ग्रेट करें तो डायरेक्ट पानी में ही ग्रेट करिए, नहीं तो उसका कलर जो है वो काला हो जाएगा। और उसके बाद दो तीन पानी से उसे अच्छी तरीके से धो लीजिए, फिर पानी में से निकाल कर उसे यूज़ करेंगे। इसको भी हम अच्छे तरीके से इसके साथ भूनेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज, इसे भी मैंने बिल्कुल बारीक बारीक काटा है। साथ ही इसमें ऐड किया है मैंने पालक। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। और क्वांटिटी भी ऐसा नहीं है कि जितनी मैंने ली है उसी हिसाब से लेनी है, आपके पास कुछ भी कम ज़्यादा हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अब मैंने इसमें डाल दी है कसी हुई गाजर, येलो बेल पेपर, रेड बेल पेपर और साथ ही ग्रीन कैप्सिकम। कॉर्न्स भी मैंने इसमें कच्चे ही यूज़ किए हैं। और साथ ही मैंने इसमें डाल दी हरी मिर्च। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च अवॉइड भी कर सकते हैं। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरीके से जब आप वेजिटेबल्स बना के बच्चों को खिलाएंगे या जिसको भी खिलाएंगे, वो आप यकीन मानिए बहुत ही उसको पसंद आने वाली है। साथ ही इसमें मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब नमक डालने से सारी वेजिटेबल्स जो हैं वो थोड़ा सा पानी रिलीज़ करेंगी, तो इसको बस हमने गलाना नहीं है सब्जियों को, उसका थोड़ा सा हमें पानी सुखाना है। हम देख लेते हैं, अभी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर मुझे लग रहा है, तो अभी मैं इसे थोड़ी देर और रखूँगी। सब्जियां हमने क्रंची ही रखनी है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करनी है। बस एक मिनट के लिए मैंने इसे ढका था। अब आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहा है। गैस की फ्लेम अब हम बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब हम अपना घोल एक बना लेते हैं मिक्सचर। इसके लिए लिया मैंने एक कप दूध रूम टेम्परेचर पर, एक कप दही, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें मैं डाल रही हूँ एक स्पून पिज़्ज़ा सीजनिंग, हाफ स्पून मिक्स हर्ब्स, हाफ स्पून ब्लैक पेपर, थोड़ी सी मैंने इसमें चिली फ्लेक्स लिए हैं और थोड़ा सा इसमें नमक भी मैंने ऐड किया है। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आटा। 5 स्पून मैंने इसमें आटा ऐड किया है। आप चाहें तो बारीक सूजी या मैदा का भी यूज़ कर सकते हैं, मैदा से इसका टेस्ट और भी बढ़िया आता है। बट क्योंकि ये मैं इसे हेल्दी बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें आटे का यूज़ किया है। सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, आटे के इसमें लम्प्स नहीं रहने चाहिए। ये देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब वेजिटेबल ऑयल यूज़ करेंगे। आप चाहें तो ऑलिव ऑयल या बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 स्पून बेकिंग पाउडर। याद रखिएगा कि बेकिंग सोडा यूज़ नहीं करना है, बेकिंग पाउडर का हमने इसमें यूज़ करना है। देख सकते हैं आप सारी चीज़ें इसमें अच्छे से मिक्स हो गई हैं।
और अब हमारी सब्जियां भी ठंडी हो चुकी हैं, वो सब्जियां अब हम इसमें मिक्स कर देंगे। आटा हमने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि जो सब्जियां हमने डाली हैं वो इसको एक बाइंडिंग देगा। तो बाइंडिंग देने के लिए आप, मैं फिर से बता रही हूँ कि आप मैदा या सूजी का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे और हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ओट्स का भी यूज़ कर सकते हैं, पिसे हुए ओट्स का। अब हमने एक बेकिंग ट्रे ले ली है और इसमें इसको मैं ग्रीस कर रही हूँ ऑयल से, ताकि सब्जियाँ हमारी इसमें चिपके नहीं। अब वो जो मिक्सचर हमने तैयार किया था वो इस बेकिंग ट्रे में हम डाल देंगे। आप थिकनेस देख सकते हैं कि किस तरीके की है। साथ ही अब इसके ऊपर मैं स्प्रेड करूँगी मोज़रेला चीज़। आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल हो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ग्रेटेड चीज़ नहीं है तो आप चीज़ स्लाइस का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। सारे बैटर को हम अच्छे से चीज़ से कवर कर देंगे। अब हम इसको माइक्रोवेव में बेक होने के लिए रखेंगे। माइक्रोवेव को मैंने 180 डिग्री सेल्सियस पर प्रीहीट कर लिया था और इसमें मैंने 45 मिनट्स का टाइम ऐड किया है। 45 मिनट्स के बाद ये देखिए कितना बढ़िया हमारा चीज़ी वेजिटेबल्स रेडी हुई हैं। तो चलिए अब हम इसे कट कर लेते हैं। आप देख सकते हो ये कितना सॉफ्ट, अभी मैं इसको गरम गरम ही कट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद अगर कट करेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये देखने में जितना लाजवाब लग रहा है ना, खाने में उतना ही टेस्टी है। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और बना के देखिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि ये डिश आपको कैसी लगी। एक रिक्वेस्ट और है आपसे कि कमेंट्स आप लोगों के बहुत कम आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स भी करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।